Hey everybody, Varun here from Language Academy. Guys, very excited. I have got Imran from Pune with me today. I would like to share his story. सबसे पहले तो मैं इमरान भाई के बारे में बता दूं. इमरान पुणे से हैं, लेकिन he traveled from Pune to our Jalandhar campus. ये हमारे Jalandhar campus में गए पीटी करने and first attempt में ही इन्होंने 7 स्कोर ले लिया. Congratulations Imran, very well done. Thank you very much sir. इमरान, आपसे मैं सबसे पहले यही बात पूछना चाहता हूँ कि पुणे आप रहते हो, जालंधर बहुत हजारों किलोमीटर दूर है, बहुत सारे सेंटर्स हैं, बहुत सारी एकेडमीज हैं, आपने क्यों चूज किया कि भाई मैं जालंधर जाऊं, वहां पे मैं पीजी में रहूं, फिर क्लासेस लूं, ऐसा क्यों सोचा आपने? एक्चुअली सर, पीटी के लिए मैं पिछले 2 साल से सोच रहा था, उससे ट्राई भी कर रहा था. पहले 3 अटेम्प्ट मैंने दिए थे, लेकिन एक दो मार्क्स से रह रहा था सर. और पहले अभी 1 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा था यूट्यूब पे, आपकी पूरी स्ट्रेटजी मैंने देखा है, प्रूवन टिप्स है, ट्रिक्स है, और सर बहुत दिल था कि आपसे क्लास लगाऊं मैं, मतलब लैंग्वेज एकेडमी से लगाऊं. तो जैसे पता चला मुझे जालंधर में हो रहा है, तो सर वैसे हमने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया सर. थैंक यू इमरान. इमरान जी, आपको क्या लगता है एग्जाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? हमें अपनी लैंग्वेज पे वर्क करना है या हमें हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, या फिर ट्रिक्स इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेटजीज इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है ज्यादा? स्ट्रेटजी और ट्रिक्स सर वेरी इम्पोर्टेंट है. लैंग्वेज पे वर्क करके मैंने 2 साल एकदम दिया, लेकिन सर वो रह रहा था. जब मैंने टिप्स और ट्रिक्स पे ध्यान दिया, जैसा फीडबैक लेके मैंने वर्क किया सर, बस 15 दिनों में एग्जाम निकाल दिया सर मैंने. बिल्कुल सही बात है. ट्रिक्स का क्या मतलब है, कौन से सेक्शन में ट्रिक यूज की है इमरान जी आपने? स्पीकिंग में सर. और स्पीकिंग एक्चुअली मेरा तो वैसे तो मेरा रीडिंग और लिसनिंग भी रह रहा था, लेकिन जब मैंने वहां पे ट्यूटर से मिला, शमिंदर सर से, आशा मैडम से, तो उन्होंने मेरा टेस्ट लेके पहले ही बता दिया मुझे कि बस आपका स्पीकिंग में लैग कर रहा है, स्पीकिंग की वजह से रीडिंग और लिसनिंग में आपको दिक्कत आ रही है. बिल्कुल पहले ही दिन जैसा मैंने ज्वाइन किया था सर, उसी दिन उन्होंने मुझको एनालाइज करके फीडबैक दिया था, और जैसा उन्होंने बताया वैसे मैंने फॉलो किया, और सर बस 15 दिनों में रिजल्ट आ गया. बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि स्पीकिंग में मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट रीडिंग और लिसनिंग में होता है और उनको पता ही नहीं होता. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर लिसनिंग या रीडिंग में मिस आउट हो रहे हो तो ध्यान रखें कि स्पीकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. इमरान जी, आपने कैंपस में पढ़ा है, घर में पढ़ने से कंपेयर करें तो लैब में पढ़ना कितना डिफरेंट है, और क्या डिफरेंस आता है जब आप लैब में पढ़ते हो? एक्चुअली सर, घर में हम जब भी करते हैं वर्क, उतना ही हम मतलब कैंपस में भी करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है फीडबैक सर. ट्विटर का फीडबैक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मैटर करता है. अभी मुझको ऐसा लग रहा है कि यही मैंने ऑनलाइन क्लासेस पहले लगाए होते तो सर मैं बहुत दिन पहले सक्सेस हो जाता. बिल्कुल बस फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. इफ यू आर वाचिंग, फीडबैक इज द की इन पीटी. फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीटी में. जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं, क्या कुछ सही कर रहे हैं और कौन सी चीजों पे आपने वर्क करना है, आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे और सेम स्कोर आएगा. फीडबैक लो, मॉक टेस्ट दो और फिर ही एग्जाम के लिए जाओ और एग्जाम जल्दी से जल्दी क्लियर करो. इमरान जी, एनी फाइनल टिप्स एंड एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स? कोई भी आप टिप या एडवाइस देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स एग्जाम देना चाह रहे हैं, 7 चाहिए उसके लिए आने के लिए, उनके लिए कोई एडवाइस प्लीज? मैं सर ये बताऊंगा कि घर पे बैठ के खुद से करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप फीडबैक लेके पढ़ाई करो. और मैं अपने खुद से ये बताऊंगा कि लैंग्वेज एकेडमी बेस्ट है सर ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू इमरान. इमरान, आपने मॉक टेस्ट भी बहुत दिए हैं, मेरे को पता है. मॉक टेस्ट कैसे इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली सर एक एनवायरनमेंट बन जाता है मॉक टेस्ट से. अगर हम डायरेक्टली एग्जाम के लिए जाएंगे तो सर मतलब एक तो एग्जाम का प्रेशर रहता है, और अगर हमको वो एनवायरनमेंट से हम फैमिलियर नहीं रहेंगे तो मतलब मिस हो जाता है पूरा. और अगर हम पहले ही प्रैक्टिस करके वहां पे जाएंगे तो मतलब बहुत ईजी हो जाता है. बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर मॉक टेस्ट. बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एज मेनी मॉक टेस्ट लें, क्योंकि मॉक टेस्ट से ये होता है आप पहले ही एग्जाम एनवायरनमेंट को लेके कंफर्टेबल होते हैं, और जब आप एग्जाम के लिए जाते हो आपके लिए कुछ नया नहीं होता है, आपको पहले ही पता होता है कि अब कौन सा क्वेश्चन आएगा, इसमें क्या करना है और आपको टाइम कैसे मैनेज करना है. वेरी वेल डन इमरान, ऑल द वेरी बेस्ट. जल्दी मिलते हैं आपके साथ ऑस्ट्रेलिया में. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू इमरान. That's it from this video guys. Make sure अगर आप भी PT की तैयारी कर रहे हैं लाइटली मत लें, प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट दें, जितने मॉक टेस्ट कर सकते करो, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप फीडबैक लें। जब आप एक बार फीडबैक लोगे आपको पता लगेगा कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, उनको कैसे इम्प्रूव करना है और अपनी मिस्टेक को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाना है और जल्दी से जल्दी स्कोर कैसे लेना है। थैंक यू गाइस, वरुण फ्रॉम लैंग्वेज फैक्ट्री।